परसेंट कहाँ से कंप्लीट हो गया सर? मैं थोड़ा इज्जत से जानना चाहता हूँ, ये हवाई फिगर क्यों दे रहे हैं आप? ऐसा उतना हासिल नहीं हुआ। फिगर कहाँ से? फिगर से सर 18 है, खर्चा ही है तो 25% तो 75% कहाँ से हुआ सर? सीरियल नंबर 36 सर, इसमें मैं एक साथ फिर एक बार गुजारिश करता हूँ ऐसी साथ भी कि सर कारगिल का बहुत ही दूर आता था इलाका और कटा रहता है सर, उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे, ना आपके डिपार्टमेंट के इंजीनियर दे रहे हैं, जाते हैं पिकनिक के लिए, पिकनिक पे जाके वहाँ पिकनिक करके आ जाते हैं, काम को नहीं देखते सर, तभी तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन भी कम है सर, मेरा बटन मिस था। लास्ट ईयर भी मेरा अभी मेरा आने वाला है आज, उसमें मैं आप लोगों को खींचूंगा किस तरह से हम लोगों ने लेस किया पैसा, तो ये चीजें हो रहा है सर, इसमें सीरियसली लेने की जरूरत है, अदरवाइज मैं ये सारा चीज जो उठा के मैं एंटी करप्शन को रेसिपी को दूंगा, फिर आप मुझे बता दूंगा उसके लिए, मैं पूरे हाउस के सामने बोल रहा हूँ, दिस इज द हाइट ऑफ द थिंग्स, इतना प्रॉब्लम किया है वहां पे, इतना मसला है वहां पे, 10 बार आप लोगों को बोला है, लास्ट ईयर भी आप लोगों को बोला है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं ले रहा है, या तो इनकॉम्पिटेंट स्टाफ है वहां पर आपका जो नहीं कर रहे इन चीजों को, ये देखने की जरूरत है सर। मैं आप लोगों को इस माध्यम से लास्ट बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखने वाला हूँ आगे, फिर नहीं बोलना आप लोग, फिर आप खान बचा नहीं पाऊंगा आप, ये याद रखना देख लीजिए आप, ऐसी सर इसको सीरियसली देख लेना ऐसी सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड इंदौर गारकुंड, अपग्रेडेशन ऑफ लिंक वाइडनिंग ऑफ लिंग रोड शाहरंग टू चौरा चुलीचंद, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड बटम बिस टू कनौर इंटरेस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड कनौर टू बटम बिस। हेलो सर, एक मिनट सर, मैं कुछ बात सर थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ सर, ये रोड पिछले 3 साल से प्लान में चल रहा है लेकिन अभी तक 1 रुपया भी इसका खर्चा नहीं हुआ है, पहले आम लोगों की गलती की वजह से पहले इसको सुरवली डिवीजन में डाला गया, सुरवली डिवीजन से बड़ी मुश्किल क्योंकि बटम बिस जो है वो कारगिल ब्लॉक का हिस्सा है, तो सुरवली डिवीजन में डालने का कोई मतलब था नहीं, काम हमको वहां से शुरू कराना था, बड़ी मुश्किल से यू टू करके वहां से उसको निकाल के लाया, निकाल के लाने के बाद आरएमबी को दे दिया, आरएमबी को भी देने के बाद टेंडर भी निकाला और बिल्कुल काम नहीं हुआ, ये पैसा क्यों जाया किया, मैं इसका जवाब चाहता हूं आपसे, क्या आप लोग इसको कंपनसेट करेंगे आरएमबी डिवीजन? हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लड़ लड़ के पैसा लेते हैं और आप लोग की अपनी मर्जी पर जो है आप उसको लेस कर देते हैं, आप ठेकेदार ने अगर काम नहीं किया तो आपने ठेकेदार के आगे क्या एक्शन लिया सर? ये बहुत सीरियस इश्यू है, बहुत ही सीरियस इश्यू है, लास्ट ईयर भी यही लिया था जनरल काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया था कि कोई ठेकेदार अलॉटमेंट लेकर जेब में बैठ जाता है और उसको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, कितने ठेकेदारों को आपने ब्लैकलिस्ट किया ऐसा? मैं जानना चाहता हूँ इन चीजों को, प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए इसका, क्यों इसका इसमें काम क्यों नहीं शुरू हो रहा और आप इसमें 10 लाख खर्चा दिखा रहा है, कहां किया है सर मुझे बताओ, कहां किया इसका खर्चा? एससी साहब इसमें एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए सर, कहां खर्चा किया है, क्यों किया है और इसमें जो 20 लाख रुपए लेफ्ट किया है क्यों किया है सर, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं सर आरएमबी की जिम्मेदारी, आरएमबी ने 20 लाख लेफ्ट कर दिया सर, ये लेफ्ट हुआ, मुझे जवाब चाहिए इसका, ये 3 साल से प्लान में खड़ा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनसे जवाब मांगे आप। सर हो गया इस साल, इस साल का पैसा दिया गया, इस साल क्यों लेट हो गया सर? इसी साल की तो बोनस है सर, ये लास्ट इस साल हमने पैसा लाया चेंज करके लाया, आपके डिविजन को दिया, आपके टेंडर में निकाला, ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया वहाँ पे? वही हमने अलॉटमेंट करके रखा हुआ है सर, वो लेफ्ट करने के लिए अलॉटमेंट नहीं है ना सर, 20 लाख रुपए में कहाँ से लाऊंगा आप? लोगों को जाकर हम बोलते हैं 20 लाख रुपए, हम तो तमाशा बन जाते हैं, कहाँ है आपका 20 लाख रुपए? कौन सी बता रहे सर? मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, अगर इस तरह से लेस करता जाएगा फिर हमारा कोई डरने का भी कोई फायदा नहीं है सर, सब सर कहलाते हैं, फिर यहाँ से डिपार्टमेंट की मर्जी होता है वो लेस कर देता है पैसों को और बड़ी आसानी से बोलते हैं। नासिर साहब अभी इंश्योर करते हैं हम आपका जो ये पॉइंट जो है एक बड़ा सीरियस इश्यू है, तो एससी साहब और डीसी साहब दोनों इसमें देखेंगे कि ये लैप्स हुआ तो क्यों हुआ कैसे हुआ और इंश्योर करेंगे सब टाइम पे काम हो और पूरा पैसा जो प्रपोज है वो एक्सपेंडिचर हो जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड नंबर 10 टू तंजिंग सिल्मो, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल छोसकोर टू मतंग वेवा दरकोर कारकोन छोसकोर। सर इसमें भी एक बताऊंगा, लास्ट ईयर हमने इसमें 5 लाख का एलोकेशन रखा, इसमें भी आपने लेस कर दिया पैसा, 5 लाख भी लेस कर दिया, क्यों लेस किए? या तो आप लोगों को डिपार्टमेंट को मेरे साथ कुछ पर्सनल है? नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ आज इस चीज को सर, क्यों लेस कर रहा सर? मैं अभी और 2-3 सीखे में दिखाऊंगा जहां पे पैसा लेस किया है।
सर ये पब्लिक का खून का पैसा ऐसे क्यों रखे हैं सर? इसमें अकाउंटेबिलिटी फीस होना चाहिए और जो कंसर्न उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सर। चलिए ठीक है सर। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम दरबार टू बीजिंग सिलमो सर, शरगोल ब्लॉक लिंक रोड टू कुकस्ते कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक सर। सर इसमें आपने क्या किया सर, क्या डिसीजन दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन में ये दे रहा हूँ नासिर साहब, इसमें डीसी साहब और एसपी साहब जरूर देखेंगे कि ये जो लैब सुबह किस कारण हुआ, क्या हुआ, इसका एक रिपोर्ट बना के दे देंगे, पेश करेंगे। और सेकंडली ये इंश्योर करेंगे कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कोई लैप्स ना हो, इन टाइम इसका टेंडर और काम एग्जीक्यूट हो और फुली इसका एक्सपेंडिचर सही मेहनत में आएगा सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड वादो टू इमाम बारा सर इसमें सर जो हमारा सर ये रोड है इन सर 2K11 और 2K12 सर, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था जो कि सर 2 साल पहले सर इसका डिस्प्यूट हल हुआ है जिसमें एक्जन साहब ने काफी हेल्प की थी सर। अभी इसमें जो सर हमारा एग्जिस्टिंग जो पैच है जो मतलब सर 2012 से 15 के बीच में बना सर, अभी वो भी खराब हो गया हुआ है सर इसमें। और सेकंड पॉइंट जहां पे सर अभी पहुंचा है सर वहां से हमें आगे लेके जाना है अभी, नहीं तो ये कहीं मतलब पहुंच नहीं रहा सर। इसमें एक चीज सर हम इसमें चाहते हैं कि सर इसका रिवाइज किया जाए, इसका मतलब डबलिंग आता कंपोजर उसका। दूसरा सर इसमें अभी 80% कंप्लीट था उसका, इसमें सर 80% कंप्लीशन का तो कुछ सर लेना देना ही नहीं है, इसमें सर वही आएगा एक सर इसका ये बढ़ाया जाए और सर अमाउंट को बना देना मंपो रिचार्ज है उसका। 22 लाख इज नॉट सफिशियंट इन दिस प्रोजेक्ट का देख लगा रहा हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा कंसिडर करें कि एक्जन साहब जो फ्यूज और उन्होंने इसमें हेल्प की थी, तो अगर इसका थोड़ा अमाउंट बढ़ाते हैं तो सर ये मतलब रोड फाइनली कहीं पहुंच जाएगा वन सर। सर सेकंड थर्ड हमारा सीरियल नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड वादो टू इमाम बारा प्रथम से वाका सर, इसमें भी हल्का सा एक जगह डिस्प्यूट था जो कि काले ने वापिस इसमें हमें मदद की इसको हल करने के लिए। उसके बाद हमारा सर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन सर इसमें हमारा जो पहले का सर जो पोर्शन बना हुआ है सर अभी भी सर वहां पे कुछ हाउस कंपनसेशन वगैरह अभी तक वो सर क्लियर नहीं हुआ है। तो सर इसमें जो कंपनसेशन वाला जो इश्यू है सर उसको हमें सीरियसली देखने की जरूरत इसमें है, प्लीज काले नोट चेंज गए सर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू गोमसो ताचा, तो सर इसमें अभी यहाँ पे हमारे काउंसलर साहब नहीं है तो सर इसका सर आई डोंट नो सर। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रोड समा टू चुलासे ब्रिज सर, इसमें भी पश्चिमी काउंसलर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड समदो टू अशुरी तंग पश्चिम सर वो पश्चिमी क्या डिक्टेट करते जा रहे की रोड से हमें मीन देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम गांव टू गावला टू गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पश्चिम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम शाहरा टू जो याद करे कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड गवर्नमेंट टू ग्रीन सर 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 एक चीज सर हम पहले एक चीज सर ये लूसू जो सर हमारा प्रॉब्लम से सर कंपनसेशन वाला हमने बोल दिया सर, इसमें अमाउंट सर 5 लाख रुपीज ही है सर। ये हम चाहते हैं कि सर अगर थोड़ा इधर इसमें वापस रिवाइज कुछ हो जाए क्योंकि सर वापस ये वही वाला इशू आ रहा है कंपनसेशन मां मोको सो सर हमारा कहीं पहुंच नहीं रहा है, रिवाइज चार्जेस को सर हमारा ये रोड कहीं पहुंच जाएगा। तो एक्जन साहब अगर इसको थोड़ा कंसीडर करिएगा दोनों रोड में इसको रिवाइज करना है सर। और हमारा जो 10th नंबर पे आ रहा सर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड थम्बे टू ग्रीप गोमा ब्रोक वाका सर, इसमें सर अमाउंट इज 13 लाख सर, इट्स ऑल्सो नॉट सफिशियंट क्योंकि सर हम चाहते हैं कि ये पर रिक्वायरमेंट दिया होगा ना सर। इसमें सर इन्होंने जो हमारे टोटल एस्टिमेट बनाया सर दैट्स ओनली 98 लाख रुपीज जो सर हमारे एक जगह जाके रुक रहा है असके सर नता दू एक जुग बसे नता चब खो रहे होना तो सर नचा दी पब्लिक का फायदे से चलो गया अदरवाइज सर ये कहीं मतलब गाँव में मतलब रीच आंस होना रोड खत्म चेतु फिर सर हमारा वही है तीनों में अगर रिवाइज छा ना तो सर पैसा थोड़ा तीनों में बढ़ना चाहिए तो सर हमारे इसका कोई यूटिलिटी में सर नता यूटिलिटी है तो नचा फायदे कौन सा सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड गांव टू योगमा मस्जिद गम पश्चिम कंस्ट्रक्शन करम कर सर हमारा ऑलमोस्ट सही चल रहा है सर, अमाउंट भी ठीक है सर। गोटा टू फिर ठीक है सर, फरोल अस्ताना ये हमारा नहीं है सर, इसका रेडिंग चुनाव है।